आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी जो है कि फायरलेस कुकिंग। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 केले, और जो कि ज़्यादा पके नहीं होने चाहिए, एकदम ताज़े केले होने चाहिए। ज़्यादा पका होगा तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। तो बस केले आप जितने डालने चाहें उतना ले लें, और उसको छील के छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। और हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हम केले के टुकड़े डाल देंगे, 5-6 काजू डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 ओरियो बिस्किट। आपके पास जो भी चॉकलेट वाला बिस्किट है आप उसे ले लीजिए। तो मैं चॉकलेट बनाना मिल्क शेक बना रही हूँ, इसलिए चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ। क्रीम के साथ ही मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम 1 चम्मच हनी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें हनी भी नहीं डालना, क्योंकि बिस्किट भी मीठी है और जो बनाना है वो भी मीठा है। तो आप हनी की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाना है तो हम डाल रहे हैं इसलिए हनी। और आधा ग्लास एकदम ठंडा ठंडा दूध डाल देंगे। उसके बाद आप चाहें ना इसमें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें जैसे बादाम, पिस्ता, तो वो भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्मूथ सा ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट बनाना मिल्क शेक बन के रेडी है, और कितना ज़्यादा चॉकलेटी लग रहा है। ये चॉकलेटी बनाना मिल्क शेक देख के ना बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो बस फटाफट एक ग्लास लेंगे और उसमें हम सर्व कर लेंगे ठंडा ठंडा बनाना चॉकलेट मिल्क शेक। और ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे 1 ओरियो बिस्किट के साथ, और डाल देंगे स्ट्रॉ, और ये हमारा हेल्दी टेस्टी बनाना मिल्क शेक रेडी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी पीजिएगा और बच्चों को भी पिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये बनाना चॉकलेट मिल्क शेक कैसे लगा। तो मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।